रंग पंचमी के रंग। रंग पंचमी का दिन था, रंग पंचमी हो और बच्चे रंग ना खेले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गट्टू चिंकी भी सोसाइटी के बच्चों के साथ जमकर रंग खेल रहे थे, पकड़ पकड़ कर एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। रंगों में सारे बच्चे ऐसे रंगे थे कि कौन गट्टू कौन चिंकी कोई पहचान में नहीं आ रहा था। जब सारे बच्चे रंग में पूरी तरह रंग गए और एक दूसरे को रंग लगाकर बोर हो गए, तब गट्टू ने एक शरारती आइडिया सुनाया। ए रुको, अब हम आपस में रंग नहीं लगाएंगे। क्या यार गट्टू, कैसे बात कर रहे हो? पूरे साल भर हम सिर्फ रंग पंचमी का ही तो इंतजार करते हैं और तुम कहते हो कि हमें रंग नहीं लगाने हैं। अभी तो बहुत सारे रंग और गुब्बारे बचे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि हमें और रंग नहीं खेलना, मैंने बस इतना कहा कि हम अब आपस में रंग नहीं खेलेंगे। तो फिर हम किसके साथ रंग खेले? हम बच्चों के साथ कौन रंग खेलेगा? सोसाइटी के बड़े लोग तो आज बच्चों को पास भी नहीं आने दे रहे। कोई हमारे साथ खेले या ना खेले, हम सबके साथ खेलेंगे। गुब्बारों में रंग भरकर गैलरी में खड़े हो जाएंगे और जो भी नीचे दिखेगा उस पर गुब्बारे फोड़ेंगे। वाह यार गट्टू, कमाल का आइडिया है। फिर क्या था, बच्चों ने काफी सारे रंग से भरे गुब्बारे तैयार किए और गैलरी में आकर खड़े हो गए। नीचे सोसाइटी कैंपस में उन्हें जो भी नजर आता उन पर वो रंग गुब्बारे फेंक कर फोड़ने लगे और मस्ती करने लगे। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। तभी एक बुढ़े दादाजी ने नीचे से बच्चों को देख लिया और दादाजी डर गए। अरे बच्चों, मुझे बुखार है, मुझे छोड़ दो। लेकिन शरारती बच्चे कहां मानने वाले थे, उन्होंने दादाजी पर गुब्बारे फेंकने शुरू किए और दादाजी को रंगीन बनाकर भिगो दिया। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। इस प्रकार बच्चों ने सुबह सुबह किसी को नहीं छोड़ा। दूध वाला, पेपर वाला, ब्रेड वाला, सबको गुब्बारों से नहला दिया। तभी गट्टू की नजर सब्जी वाले पर पड़ी। सब्जी वाला कैंपस में सब्जियां बेचने आया था। ओए, हमें इस सब्जी वाले को नहीं छोड़ना है, सब्जियां बड़ी महंगी बेचता है, मारो। सब्जी वाले पर लगातार गुब्बारों की बरसात हुई और सारी सब्जियां खराब हो गई। सब्जी वाला भी रंगों में भीग गया। अरे बच्चों, रहम करो, बाजार जाकर बड़ी मेहनत से सब्जियां लाया था, महंगी सब्जियां हैं, मेरा नुकसान ना करो। लेकिन बच्चे लगातार गुब्बारों की बरसात करते ही रहे। तभी अचानक चिंकी ने देखा, दादी सब्जी खरीदने आ रही है। बाप रे, मर गए, दादी है नीचे, छिप जाओ। सारे बच्चे दादी के डर से छिप गए। दादी सब्जी वाले के पास आई और उसकी हालत देखकर बोली, क्यों रे, तू भी होली खेलकर आ गया, सारी सब्जियां खराब दिख रही हैं। ये सुनकर सब्जी वाला रोने लगा। दादी जी, मैं गरीब आदमी हूँ, मार्केट जाकर सुबह सुबह अच्छी सब्जियां खरीद लाया, सारी महंगी सब्जियां थी, आपके सोसाइटी के बच्चों ने गुब्बारे फेंक कर सारी सब्जियां खराब कर दी। ये सुनकर दादी दुखी हो गई। कहाँ है बच्चे? वाह, ऊपर गैलरी में, आपको देखकर छिप गए हैं। दादी ने ऊपर देखा। चिंकी दादी को छिप कर देख रही थी। दादी ने उसे देख लिया। मैं जानती हूँ तुम सब ऊपर छिपे हो, 2 मिनट के अंदर नीचे आओ। सारे बच्चे डर गए थे। काफी शर्मिंदा होकर वो दादी के पास नीचे आए। दादी काफी गुस्सा थी। बच्चों, क्या है ये, क्यों किया बेचारे का नुकसान? दादी, ये बेचारा नहीं है, हमारे सोसाइटी में दाम बढ़ा चढ़ा कर सब्जियां बेचता है। बेटा, वो मेहनत करता है, उसे महंगी सब्जियां मिलती हैं, उसमें उसका क्या दोष? 1-2 रुपया बढ़ा चढ़ा कर ही तो उसका प्रॉफिट निकलता है। तुम बच्चों ने दूध वाला, पेपर वाला, किसी को नहीं छोड़ा, सब शिकायत करके गए हैं तुम्हारी। बेटा, ये लोग मेहनत कर रहे हैं, इन्हें ऐसा परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन दादी, आज रंगों का त्योहार है, हमने इन्हें रंग लगाया तो क्या गलत किया? सच कहा, रंगों का त्योहार है, रंगों से हमें खुशियाँ मिलती हैं,
एक दूसरे को रंग लगाकर हमें खुशियाँ बांटनी चाहिए। हमारी शरारत और मस्ती से किसी को दुख हो तो क्या फायदा ऐसे त्योहार का? हमारे रंगों से किसी के चेहरे का रंग ही उतर जाए तो क्या फायदा ऐसे रंगों का? दादी की बात सुनकर सारे बच्चे शर्मिंदा हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। सॉरी दादी, सॉरी अंकल, हम आज के बाद किसी को जबरदस्ती रंग नहीं लगाएंगे। जो हमारे साथ खेलेगा उसी के साथ हम रंग खेलेंगे, प्रॉमिस। फिर क्या, दादी ने सब्जी वाले को पैसे देकर उसके नुकसान की भरपाई कर दी और सब्जी वाला चला गया। दादी ने देखा बच्चे नाराज खड़े थे। अरे नाराज क्यों खड़े हो, गलतियाँ करना गलत नहीं, गलतियाँ दोहराना गलत है। अब ऐसे नाराज मत रहो, आज रंग पंचमी है, मैं तुम्हारे साथ रंग खेलूंगी, मुझे भी रंग लगाओ, चलो। ये सुनकर बच्चे खुश हो गए और दादी को रंग लगाकर खुशियां बांटने लगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।